आज का दिन चार राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इन सभी राज्यों में बीते दिनों हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित होने वाले हैं, जिसे लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता दिल्ली समेत इन सभी राज्यों के पार्टी ऑफिस सुबह से ही पहुंच गए हैं। दिल्ली स्थित कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर सुबह से जश्न का माहौल है। विभिन्न जगहों पर हवन पूजा से लेकर नतीजों के पहले कांग्रेस नेता अपनी प्रार्थना लिए मंदिर तक पहुंच गए हैं। मतगणना के पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी ने इंदौर के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में माथा टेका और जीत की दुआ मांगी। कुशासन था, उसका अंत होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का तांडव लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करके किया था पिछले साल, पिछले सत्र में विधायकों की मंडी लगाई, देश ने देखा है। इन सब परिस्थितियों के बाद सबसे बड़ा बेरोजगारी का दर्द लोगों ने सहा, महंगाई का दर्द सहा, बीमारी का दर्द सहा, हर तरह का करप्शन या तो किसी ने उसको भोगा है या किसी न किसी रूप से उससे वो प्रभावित हुआ है, इस सरकार का देखा है। और फिर भी हर तरीके के हथकंडे के साथ इन्होंने जिस तरीके का प्रदेश में तांडव मचाया, उसका अंत होने वाला है। कांग्रेस आने वाली है, बीजेपी जाने। छत्तीसगढ़ में भी सुबह से ही पार्टी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव कांग्रेस की जीत की कामना लिए भगवान की शरण में पहुंचे और पूजा अर्चना की। जनता ने पिछले 5 सालों के माननीय मुख्यमंत्री जी के कांग्रेस पार्टी के कामों को देखा है और उस आधार पर मतदान हुआ है। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी विजय आज कांग्रेस पार्टी दर्ज करेगी। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी या छत्तीसगढ़ की जो ज़रूरत थी उसके हिसाब से काम किया है, तो छत्तीसगढ़ का आम जन कांग्रेस के साथ है।